140 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं के अभाव और उनके मूल्यों में वृद्धि से एक गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेते समय यह दावा किया था कि गेहूं के मूल्यों में कमी होगी और सभी वर्गों के लोगों को गेहूं समय पर मिलता रहेगा। ये दोनों ही उद्देश्य विफल हो गए हैं। पहले जब फसल आती थी तो बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होता था, परंतु इस बार गेहूं उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने लायक भंडार भी सरकार के पास नहीं है। पैरा, यह आरोप नितांत निराधार है कि सरकार का किसान राजनीतिक दल के भड़काने के कारण अपना गेहूं सरकारी केंद्रों में नहीं ला रहा है। किसान समझदार है, वह अपने हानि लाभ को पहचानता है। जब चना, जौ और सरसों बेचकर उसे कुछ रकम मिल जाती है तो वह गेहूं को कुछ समय तक रोकने का प्रयत्न करता है। सरकार को गेहूं के दाम बढ़ाने चाहिए ताकि किसान अपना गेहूं जल्दी से जल्दी सरकार को बेच दे। किसान को थोड़ा सा अधिक मूल्य देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। पर आज कोयले की इतनी कमी है कि जहां पर कोयला होता है वहां पर भी कोयला लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोयले की चोर बाजारी का यह हाल है कि अगर फैक्ट्री चलाने वालों को कोयले का वैगन मिल जाता है तो वे उस कोयले से फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, बल्कि उस वैगन को ब्लैक में बेच देते हैं। फैक्ट्री चलाने से उनको जितना मुनाफा होता है उससे ज़्यादा मुनाफा वे कोयले को ब्लैक में बेचकर प्राप्त कर लेते हैं। सरकार इस बात का पता लगा सकती है, परंतु वह पता नहीं लगा पाती है क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा फैक्ट्री वालों से बंधा होता है। इस प्रकार जब कारखाने कम चलेंगे या बिल्कुल नहीं चलेंगे तो उत्पादन घटेगा और बाजार में सामान कम आएगा। इससे चीज़ों का अभाव बना रहेगा और उनके मूल्य भी बढ़ेंगे। इस तरह से मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार केवल अपने हाथ में नई चीज़ें लेती जाए इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। पर जब खाद्य समस्या का सवाल आता है तो प्रकृति को दोष देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। क्या यह सच नहीं है कि पिछले 3 सालों से अनाज की पैदावार घट रही है? क्यों घट रही है? देश में खाद की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भगवान जिम्मेदार है? क्या भगवान खाद के कारखाने लगाएगा? क्या जो सरकारी कारखाने हैं उनको पूरी क्षमता से भगवान चलाएगा? भगवान के दर्शन तो हम इस सदन में ही कर सकते हैं। पर सरकार कहती है कि वर्षा कम होने के कारण बिजली कम पैदा हुई। मैं इस बात को नहीं मानता। कोयले से बिजली पैदा करने के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके। अणु बिजली पैदा करने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए। पैरा, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वित्त विधेयक पेश किए है मैं उसका समर्थन करता हूँ। जहाँ तक हमारी सरकार का संबंध है उसने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को जाता है। हमारे बड़े बड़े पूंजीवादियों की इच्छा थी कि बैंकों का काम इस तरह से चले कि लोगों को लूटा जाता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की परवाह न करते हुए कि कौन उनके साथ है, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर सदन में उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य इस बजट को अच्छा नहीं मानते क्योंकि वे तो ऐसे बजट चाहते हैं जिससे सरकार के खजाने में एक पैसा भी जमा ना हो और गरीब आदमियों की सहायता करने के बहाने बड़े बड़े पूंजीपतियों की सहायता की जाए।
हमेशा से उनका यह उद्देश्य रहा है और आज भी है। थोड़े से दिनों के लिए शासन इनके पास गया तो इनकी तरफ से यह कोशिश हुई कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वे किसी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में चले जाए। स्टॉक डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।